माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो यहाँ पर मिल रहे कचालू वाले चाड़ू, आप लोग में कौन सी लैंग्वेज में ये इसे क्या कर? तो देखिए हम वाटर पार्क वगैरह में जाते हैं ना, तो इस तरह से पानी जो है गिरते रहते हैं, बट वो देखिए पहाड़ का नज़ारा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ आपका अपना कन्हैया और आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आपने पुराना व्लॉग देखा, जैसे कि आपने इससे पहले वाला व्लॉग देखा श्री माता वैष्णो देवी का था, और फिलहाल आज है सेकेंड डे और आज हमने प्लान किया है घूमने का पूरा जम्मू में। सो आज हमने प्लान किया है जम्मू के अंदर कुछ जगह हैं, स्पेशल प्लेसेस हैं, वहाँ पर हम घूमेंगे। सो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, आज का वीडियो जो है वो भी काफ़ी शानदार होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो कहीं भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। धूप बहुत ज़्यादा आँख खुलने रही है, चले वीडियो की करते हैं शुरुआत। सो आइए मैं आपको बताता हूँ इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी क्या है कैसा है। हमारे साथ एक भैया है जो हमें बताएंगे इस मंदिर की क्या खासियत है और किस तरह की मंदिर है, क्या मान्यता है इस मंदिर की। चलिए भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काका है। काका, सभी भक्तों को जय माता दी। जय माता दी। ये नौ देवी का मंदिर है जो कटरा में पड़ता है जी। और ये नौ देवी मंदिर इसलिए है क्योंकि जहाँ पे नौ माता एक साथ में विराजमान है जी। ठीक है, जो भी जहाँ पे यात्रा करता है उसकी नौ धाम यात्रा मानी जाती है। नौ चार, यही खासियत है। नवरात्रों वाली माता है तो सेम ही है समझो, जैसे माता वैष्णो है, माता वैष्णो में तीन देवी हैं, जहाँ पे नौ देवी है एक साथ। अच्छा, नौ देवी एक साथ बैठती हैं यहाँ पे, जो कि गुफा में हमें दर्शन मिलते हैं। यहाँ पे दर्शन मिलता है, नेचुरल गुफा है। अच्छा, मंदिर बनाया नहीं गया है, प्राचीन है। ओके, पूरी तरह से एकदम नेचुरल ना? नेचुरल। ओके, थैंक यू सो मच काका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपको खुश रखें। हम थैंक यू, जय माता जी। सो मंदिर में जाने से पहले हम यहाँ पर धोएंगे अपने पैर और उसके बाद फिर अंदर जाएंगे, धो लेते हैं। यहाँ पर कुछ रखा हुआ है जो आप मंदिर में अपना चढ़ा सकते हैं। सो ये हाथों में क्या लिया गया है, ये चढ़ाना है वहाँ पे मंदिर में? अच्छा, किसका? मेरा वाला कहाँ पे है? अच्छा, मोनू भैया के पास। तो ये फिलहाल दिया गया है, इसे हमें मंदिर में चढ़ाना होगा। तो मंदिर थोड़ी स्लिपरी हो जाती है ना सीढ़ियों वगैरह से, पानी से उसको धोया जा रहा ताकि स्लिप ना खाएं कोई उतरते उतरते वक्त। तो यहाँ पर भी कुछ वैष्णो देवी जैसी सीढ़ियाँ हैं, माता वैष्णो देवी के दरबार में ऐसी सीढ़ियाँ थी ना, वैसे है। और ये देखिए पानी किस तरह से बह रहा है, ये आई थिंक सो पहाड़ वाला ही पानी है पूरा। तो चलते हैं फिर नीचे, नीचे मिलता हूँ मैं आपको। और ये देखिए पहाड़ का नज़ारा। तो यहाँ पर पाइप लगाया हाथ धोने के लिए, अभी हमने वहाँ पैर धोए, यहाँ पर हमें अपने हाथ धोने हैं। ये ऐसे बच्चे हैं, बड़े हैं, मंगलवार शनिवार टीका लगाना है जिसको गुस्सा आता है, और ये लाल वाला खुद लगाया नहीं आपने, एक ही। सो नौ देवी मंदिर जो है ये बहुत ही अनोखा मंदिर है, यहाँ पर गुफा में माता जी रानी के दर्शन जो है हमें मिलते हैं। और मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है ले जाना, इसलिए हम मोबाइल अंदर नहीं ले जा पाए, लेकिन अगर आप आ रहे हो तो आप ज़रूर नौ देवी माता जी के दर्शन जो है ज़रूर करना, बहुत ही अपने आप में एक अनोखा मंदिर है। और ये नज़ारा देखिए क्या ही खूबसूरत नज़ारा है, इतना बढ़िया पानी जो है पहाड़ों से आता हुआ पानी और ये सुंदर नज़ारे के साथ में। चलते हैं अंदर फिलहाल, पैसे वगैरह चिपकाए हैं देखिए, ये गुफा है ना? हाँ गुफा है। जय माता दी, 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 जय माता, जय माता दी, जय माता दी।
तो मंदिर में जाने से पहले आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर शिव जी की मूर्ति और शेषनाग जी की मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति, जो कि प्योर नेचुरली बनी हुई है, इसे हाथों से नहीं बनाया गया है, ये एकदम नेचुरल गुफे में बनी हुई है। जय माता दी, 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 जय माता दी। तो अभी आप जो मेरे बैकग्राउंड में पानी देख रहे हो, ये वाला, ये पूरी तरह से नेचुरल पानी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से नेचुरल पानी है, पहाड़ों से आता है, और पहाड़ों से आने के बाद यहाँ से ये, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह, यहाँ पर जो है ये आगे से आगे बढ़ते आते हैं पानी, और इतने साफ़ पानी है कि फिल्टर पानी भी इसके आगे एकदम से फेल है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से आ रहा है, थोड़ी सी झलक मुझे दिखाई दे रही है और लोग जो है स्नान भी कर रहे हैं। चलिए आइए दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ही सुंदर ब्लॉग है। मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेगा। चलिए आइए दिखाता हूँ आपको। थैंक यू सर आपको, जय माता दी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से सामने ही दिखाई दे रहा है, कुछ लोग जो है स्नान कर रहे हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है, मिस मत कीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर मिल रही कचालू वाली चाड़ी, आप लोग में कौन से लैंग्वेज में ये इसे क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताना। बंडा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिखते हैं, मस्त इस पर जलजीरा वगैरह मार के बनाया गया है, और यहाँ पर अच्छा अच्छा बहुत सारी, मतलब पूरा पेट एकदम साफ हो जाएगा आदमी खाएगा तो। अच्छा तो अंकल जी बहुत प्यार अंकल जी बहुत प्यारे तरीके से बना रहे हैं, देखिए अच्छा लगा खा के, थैंक यू अंकल जी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ ये पानी जो है कहाँ से आ रहा है, इतना फ्रेश पानी, मतलब आप यहाँ फिलहाल थोड़ी गंदगी भले, लेकिन पानी जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश है। ये देखिए यहाँ से ऐसे कितना सुंदर नज़ारा बनाया गया है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, ये देखिए वाह अच्छा लग रहा है, ये देखिए कितना प्यारा पानी है यार, मतलब ये पानी जो भले इसमें स्टोर होकर थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, बट ये जो पानी है ना रियल नेचुरल पानी है, अगर आप पीते हो तो आपको पता चलेगा। अगर आप आए हो ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप आए हो और आप कब आए हो, जल्दी जल्दी मेरे को निकलना है। हाँ वाह भाई साहब बहुत सुंदर, थैंक। तो देखिए हम वाटर पार्क वगैरह में जाते हैं ना तो इस तरह से पानी जो है गिरते रहते हैं, बट वो अननेचुरली होते हैं, उसे बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, बट ये पानी जो है टोटली एकदम ओरिजिनल है और पहाड़ों से ही आ रहा है ये पानी एकदम। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर गिरता है और ये पानी यहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ जाता है। देखिए कुछ लोग जो है नहा रहे हैं यहाँ पे, और ये देखो यार, ये देखो ये वहाँ से आ रहा है ये पानी वहाँ से, और ये कुछ इस तरह से बनाया है नहाने वाला, नहा हम भी नहा लेते बट पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और हमें आगे भी जाना है अभी। तो पानी देखिए पीने वाला पानी किस तरह से निकल रहा है, टोटल प्योर नेचुरल वाटर है जो कि पहाड़ों से आ रहा है। सो उम्मीद करूंगा अभी फिलहाल हम इस स्पॉट को तो छोड़ के आगे निकल रहे हैं, आने वाले कुछ एक और मंदिर है वहाँ पर हम चलेंगे, और ये ब्लॉग जो है मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। आपको कैसा लगा ब्लॉग, जय माता दी लिखने के बाद ज़रूर आप लिखिएगा कि आपको कैसा लगा ब्लॉग। फिलहाल इस ब्लॉग को यहाँ पर करते हैं एंड, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए कॉन्टेंट में, किसी नए स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, ठीक है, टाटा बाबा। बोलिए जय माता दी, जय माता दी, चलिए ठीक है, टाटा बाबा।